हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। मतलब फिलिस्तीन समझिए वो देश है, वहाँ पे मतलब बहुत सारे देश तो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। मतलब बहुत सारे देशों ने बोला है कि ये देश है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ये देश नहीं है, ये इजराइल का पार्ट है। और उसमें आपको देखने को मिलेगा फिलिस्तीन में ही समझिए एक जो है आतंकवादी संगठन है हमास, और हमास ने ही अटैक किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो मोसाद है ये फेल क्यों हो जाती है। फिर देखेंगे जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि अभी कुछ दिन पहले आपको देखने को मिलेगा कनाडा और इंडिया विवाद हुआ था, तो यूएस ने ही बोला गया था कि मतलब कि डाटा दिया है कनाडा को, और कनाडा यहाँ पे जो है समझिए कि वो आके पार्लियामेंट में भाषण देता है कि निज्जर की मृत्यु जो है ये रॉ ने मतलब मारा है निज्जर को। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको वहाँ पे तो ये बता देता है यूएस, लेकिन अभी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं बता पाता है कि इतने लोग देखेंगे यहाँ से, आपको एयर से मतलब वायु से देखेंगे बहुत सारे एयर बैलून के साथ यहाँ पे इजराइल में बहुत सारे वहाँ के जो आतंकवादी हैं वो घुस चुके हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा समुंदर के तरफ से भी घुसे हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर एरिया से भी घुसे हैं वहाँ पे तोड़ के जो भी बैरियर लगा था इन सब से। लेकिन यहाँ पे दोनों देखेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि दोनों प्रमुख बताई जाती हैं। मोसाद देखेंगे बहुत बड़े बड़े ये काम कर चुकी है बहुत सारे देशों में जाके, ये फिर वहाँ पे लोगों को जो वैज्ञानिक रहते हैं वहाँ तक को मार देती है। और फिर यूएस जो है, तो यूएस और इनका बहुत अच्छा कोलोबरेशन है, तो ये लोग मिल के फिर देखेंगे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये चूक हो जाती है और पूरी देखेंगे इजरायली जो नागरिक है तो ये पूछ रही है कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखेंगे बहुत बड़ा ये अटैक है। और ये अटैक है समझिए यहाँ पे बहुत सारे सेना को बंधक बनाया गया है, बहुत सारे नागरिकों को बंधक बनाया गया है वहाँ पे, और बहुत सारे नागरिकों को तो वो किलिंग करने के लिए आए थे। जब भी टेररिस्ट अटैक होता है तो समझिए आम नागरिक को वो मतलब मोहरा बनाते हैं वहाँ पे, उनको मारते हैं। तो ये सब अब लोग वहाँ के पूछ रहे हैं क्या हम सुरक्षित हैं यहाँ पे मोसाद के रहते हुए, मोसाद यहाँ पे बता नहीं पाई, क्योंकि देखेंगे बिजली वगैरह भी बहुत सारा चीज़ जो है ये इजराइल ही प्रोवाइड करता है, फिलिस्तीन को प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और आराम से आप वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि पता लगा सकते हैं। देखेंगे मतलब अब ये भी मतलब बताऊँगा कि क्यों हुआ है चूक इसमें। तो इसमें चूक होने का ये कारण बताया गया है, जो समझिए कि मोसाद है और फिर जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो ये पूरी तरह से दोनों कहाँ लगे हुए हैं, ये दोनों पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें लगे हुए हैं पूरी तरह से, ये लगे हुए थे। और 18 महीना से यहाँ पे देखेंगे जो फिलिस्तीनी मतलब वहाँ पे जो हमास है ये शांति यहाँ पे था, तो ये लोग सोच ही नहीं पाए थे कि इतना बड़ा अटैक हो सकता है। समझिए वहाँ पे जो 250 हैं समझिए कमांडर के साथ कितने लड़ाके घुस चुके हैं इसराइल में, और यहाँ पे अब इनको तीनों चारों मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ी है। एक तो टेररिस्ट स्क्वाड है जो इसकी मतलब लड़ रही है वहाँ पे, भीतर जो टेररिस्ट घुस चुके हैं वहाँ पे। उसके बाद देखेंगे लेबनान से जो हिजबुल्ला है वो भी अटैक कर चुका है लेबनान में। हिजबुल्ला ये भी आतंकवादी संगठन है जो कि ये भी मुस्लिम है, तो ये भी मतलब वहाँ पे समझिए कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है, तो ये भी अटैक कर चुका है। और ऐसा मतलब आप देख भी सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये कॉन्फ्लिक्ट खींचेगा आगे, क्योंकि इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है और ये बहुत आगे तक जा सकता है ये भी बताया गया है। तो इसमें ये देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पे ईरान के कार्यक्रम में परमाणु जो कार्यक्रम चल रहा है, तो इससे अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर है। अमेरिका को डर है कि अगर वो परमाणु बना लेता है तो अमेरिका और ईरान का देखेंगे दुश्मनी किसी से छिपा नहीं है, और इजराइल ही है समझिए वहाँ से नज़दीक जो कि अच्छे से वहाँ पर देख सकता है। और कुछ दिन पहले देखेंगे जो सैनिक कमांडर थे उसको मरवाया भी था यूएस ने, तो कासिम सुलेमानी नाम था उनका समझिए, तो उनको मरवाया था, फिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी बताया जा रहा था कि ये परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे तो इस वजह से मरवाया गया था समझिए। तो इसमें यही बोला गया है मतलब ये जो दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है और फिर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये पूरी तरह से लगे थे ईरान वाले इलाकों में, ईरान वाले इलाकों में लगे थे। और ये 18 महीने से शांत था समझिए, जो हमास था 18 महीनों से शांत था, तो इनको लगा कि यहाँ से अटैक हो ही नहीं सकता, और ईरान का ही समझिए ये गेम है आपको जो ये अटैक देखने को मिलेगा। तो ईरान को पता था कि ये लोग हमारे पीछे लगे हैं, तो अब वो वहाँ पे चाल चल के देखेंगे कि वहाँ से जो अटैक करा दिया है, और बहुत सारे अब 5000 देखेंगे कि लगभग समझिए कि 5000 रॉकेटों से वहाँ पे हमला किया गया है। इतने बड़े रॉकेट और इतने मतलब बड़ी संख्या में देखेंगे कहाँ से इनके पास आएगा, उतने जो हथियार लेके वो घुसे हैं इजराइल में उतने हथियार कहाँ से आएंगे। इन्होंने मतलब इजराइल देखेंगे कि हमेशा से नाकाबंदी करके रखा है, उसके बॉर्डर में फिलिस्तीन के कोई घुस ही नहीं सकता, जो गाजा पट्टी है आपको देखने को मिलेगा, तो समझिए गाजा पट्टी में कोई घुस ही नहीं सकता उस उधर से, फिर वैसा अटैक कैसे हो सकता है। तो ये पूरी तरह से देखेंगे ईरान का सपोर्ट है, ईरान के ही मास्टर प्लान से हुआ है। ईरान भी समझ रहा था ये लोग पूरी तरह से इधर लगे हैं,
और इतना बड़ा अगर हम प्लान बनाते हैं तो ये लोग समझ में नहीं पाएंगे। तो समझिए इतना महीने से प्लान चल रहा है, लेकिन यहाँ पे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी भी फेल है, मोसाद भी फेल है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे अगर बताया जाए तो ये किसके वजह से अटैक हुआ है, तो ये यूएस की वजह से हुआ है। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी फेल है, यूएस ही सभी चीज़ें इसको प्रोवाइड करती है, यूएस ही बोली होगी कि ईरान के पीछे लगे रहो तुम। और इसीलिए देखेंगे कि यूएस जो है समझिए अपना जो बेड़ा है जंगी जहाज वो भेजा है वहाँ पर, ताकि कोई भी सपोर्ट फिर से ना मिल पाए उसको। सपोर्ट मिलेगा तो फिर से मतलब हथियार वगैरह ना मिल पाए जो गाजा पट्टी है उसमें, तो फिर ये अटैक कर सकते हैं, तो इसके लिए भेजा है। तो अगर मैं बताऊं तो ये पूरी तरह से देखेंगे तो यूएस के वजह से ही हुआ है। तो यूएस अभी तो कुछ दिन पहले देखेंगे कि इंडिया और कनाडा के विवाद पर बोल रहा था कि ये सब सही नहीं है और ये संप्रभुता के खिलाफ है, ये वो दे रहा था भाषण कि हमने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है कि निज्जर को मारा गया है, लेकिन सबूत इनके पास नहीं था। और अब देखेंगे यहाँ पे इसका फेलियर दिख रहा है, तो ये यहाँ पे तो देखिए सबूत देता है, सबूत तो वहाँ पे भी नहीं दे पाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा अटैक हुआ है। अब समझिए कि अब जो बहुत सारे सैनिकों को बंधक बनाया गया है यहाँ पे, जो इजराइल भी है तो बहुत सारे टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे होगा मतलब कि बार्गेनिंग चलेगा वहाँ पे, अब सैनिकों को और नागरिकों को हमास छोड़ेगा और फिर ये लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखेंगे 2011 में भी हुआ था, तो एक इजरायली सैनिक के बदले में 1,000 फिलिस्तीनियों को यहाँ पे इजराइल को छोड़ना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि समझिए कि ये था, एक इजरायली अपने सैनिक बचाने के लिए 1,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ देता है, तो वैसा ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे ये लोग अरेस्ट करके रखे हैं आतंकवादियों को, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये बहुत सारे बंधक बना के रखा है सैनिक को, जो फिलिस्तीन है समझिए मतलब जो हमास है, सैनिकों को बना के रखा है बंधक और बहुत सारे लोगों को बच्चों को बना के रखा है। तो ये बाद में एक्सचेंज होगा, पहले युद्ध तो कुछ दिन खींचेगा, फिर देखेंगे जब हारने लगेंगे ये लोग जब हमास तब। अब इसमें ये भी बोला जा रहा है बहुत सारे और देश भी घुस सकते हैं, तो ये मतलब समझिए मैंने कारण बताया आपको हमारे ये क्यों, जो समझिए कि मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है ये फेल क्यों हो जाती है। तो फेल होने का यही कारण है क्योंकि इन लोगों को पहला नंबर तो ये लोग कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा अटैक हमास कर भी सकता है, तो उतना ये लोग लाइटली मतलब लाइटली ही ले रहे थे उसको। और दूसरा कारण ये है कि ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी ईरान के अभी लगी थी, वो परमाणु कर्म जो कि बताया गया है कि 6-7 दिनों में ही वो है तो ये टेस्टिंग कर सकता है, तो उसमें लगी थी, तो इसी वजह से ये फेलियर है। और इसमें बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि अब जो है समझिए ये जो मतलब कि जो बाइडन थे, तो यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है यूएस में, तो समझिए अब ये भी फेल हो गया है इनका ये जो कैंपेन था, क्योंकि वो ये इसराइल को और फिर सऊदी अरब को साथ में ला रहे थे, तो अब ये भी फेल हो गया है। अब ट्रंप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत सारे, तो ये सब इलेक्शन के मतलब मैटर में आप देख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।